Welcome to the Sufipharm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सस्पेंशन कल्चर के बारे में. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, यानी हम प्लांट को किस तरह न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यू कल्चर की कितनी टाइप होती है. तो सबसे पहला कैलस कल्चर और दूसरा सस्पेंशन कल्चर. और प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कैलस कल्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इन शॉर्ट अबाउट द कैलस कल्चर, इसमें सबसे पहले प्लांट और टिश्यू कल्चर, टिश्यू के कोई भी पार्ट को लेते हैं, यानी एक्स प्लांट को लेते हैं, और फिर इस पार्ट को स्टरलाइज करते हैं और उसको उसके स्मॉल पीसेस करते हैं और स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको ग्रो करवाते हैं अंडर द एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन. फिर इसमें कैलस फॉर्म होता है और कैलस का डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है और बाद में इसका सब कल्चर करते हैं, यानी इस कैलस को फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं और ग्रो होने के बाद स्मॉल पीस करते हैं और फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इससे यंग प्लांटलेट फॉर्म होता है और बाद में इससे होल प्लांट डेवलप होता है, यानी रीजनरेट होता है. उसे कैलस कल्चर कहते हैं. नाउ डिस्कस अबाउट द सस्पेंशन कल्चर. सस्पेंशन कल्चर में हम प्लांट के पार्ट या टिश्यू को नहीं लिया जाता, लेकिन इस पार्ट या टिश्यू से ऑप्टेन आइसोलेटेड सेल को लिया जाता है और इसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस लिक्विड मीडिया में इस प्लांट के इंडिविजुअल सेल को कल्चर कराते हैं, यानी ग्रो और डेवलप कराते हैं और उसकी ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है अंडर द प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट, इरिगेशन अंडर द एसेप्टिक कंडीशन. इसी को हम कहते हैं सस्पेंशन कल्चर. जैसा कि नाम है सस्पेंशन कल्चर, जो प्लांट के सेल होते हैं, इसके जो इंडिविजुअल सेल होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं इन द लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया. किस तरह से सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, इस न्यूट्रिएंट मीडिया को कंटिन्यूस एजिटेट किया जाता है, जिससे इस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में जो इंडिविजुअल सेल हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, यानी सेपरेटेड रहेंगे. इस सेल को एजिटेट होने से प्रिवेंट किया जाता है, इसीलिए इस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया को शेक और एजिटेट किया जाता है ड्यूरिंग द सस्पेंशन कल्चर. दिस इज अबाउट द सस्पेंशन कल्चर. The growing of cell, including the culture of the single cell or small aggregate of the cell in vitro in liquid medium is known as suspension culture. When the friable callus is placed into the appropriate liquid medium and agitated, the single cell or small clump of the cells are released into the medium and continue to grow and divide, the producing a cell suspension culture. The suspension culture technique are very important for the biotransformation and plant genetic engineering. Now see how to prepare the suspension culture. Means preparation of suspension culture by using two method: isolation of single cell. First callus culture and second plant organ culture. First method callus culture. Callus culture से क्या किया जाता है, सबसे पहले callus को grow कराया जाता है, फिर उसको develop करते हैं. Callus से फिर single cell को isolate किया जाता है for the suspension culture. फिर इसके बाद
फिर इसके बाद प्लांट ऑर्गन सेकंड है प्लांट ऑर्गन। इसमें ऑर्गन यानी प्लांट के पार्ट को लिया जाता है। फिर इस प्लांट के पार्ट से सिंगल सेल को आइसोलेट करते हैं फॉर द सस्पेंशन कल्चर। ये हो गया दोनों मेथड्स, द आइसोलेशन ऑफ द सिंगल सेल, द कैलस कल्चर व्हेन द फ्राइबल कैलस इज प्लेस्ड ऑन टू इनटू द एप्रोप्रिएट लिक्विड मीडियम एंड एजिटेटेड द सिंगल सेल और स्मॉल क्लम्प्स ऑफ द सेल आर रिलीज इनटू द मीडियम एंड कंटिन्यूस टू ग्रो एंड डिवाइड द प्रोड्यूसिंग अ सेल सस्पेंशन कल्चर। प्लांट ऑर्गन, अ स्मॉल बिट ऑफ द प्लांट टिश्यू लाइक लीफ टिश्यू आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द सिंगल सेल एंड सस्पेंडेड इनटू द स्पेसिफिक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द सस्पेंशन कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर ग्रोथ एंड सब कल्चर। तो ये हो गया दोनों मेथड। नाउ सी द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर फॉर द आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल बाय यूजिंग द प्लांट ऑर्गन। अब देखते हैं कि किस तरह प्लांट ऑर्गन यानी प्लांट के पार्ट से सिंगल सेल को आइसोलेट करते हैं सस्पेंशन कल्चर के लिए। प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट, इसमें प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लीफ को लेंगे। यानी लीफ को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उस कलेक्ट करेंगे उस इन द फर्स्ट स्टेप द सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट द मदर प्लांट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द वायरस फ्री एरिया। हेल्दी डिसीज एंड वायरस फ्री प्लांट आर सिलेक्टेड एज अ मदर प्लांट। द एक्चुअल प्लांट पार्ट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। एंड उसके बाद कलेक्ट करने के बाद लीफ सरफेस को स्टरलाइज करते हैं, यानी लीफ के सरफेस को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। यानी इसके सरफेस पर जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया जाता है बाय यूजिंग द डिफरेंट केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट। और उसके बाद क्या करते हैं, लीफ के सरफेस को स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग स्टरलाइज नाइफ और फोरसेप। सो हियर द सेकंड स्टेप द सरफेस स्टरलाइजेशन और एक्सप्लांट बाय यूजिंग द डिफरेंट स्टरलाइजिंग एजेंट। और इट इज ट्रीटेड विद फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद द रनिंग टैप वाटर एंड ट्रीटिंग इन द सरफेस स्टरलाइजिंग एजेंट लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड 70% इथेनॉल अंडर द एसेप्टिक कंडीशन इनसाइड द लेमिनार एयर फ्लो चेम्बर। एंड थर्ड स्टेप द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल आफ्टर स्टरलाइजेशन द प्लांट एक्सप्लांट मटेरियल लीफ सरफेस कट इन टू द स्मॉल पीस बाई यूजिंग नाइफ एंड विद द हेल्प ऑफ फोरसेप फॉर द कल्चर फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड। और इसके बाद क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट को या तो मैकेनिकल मेथड या तो एंजाइमेटिक मेथड से सेल को आइसोलेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल मेथड के बारे में। इस मेथड में क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट को यानी जैसे जिसके सरफेस को हमने स्टरलाइज कर चुके हैं प्लांट के पार्ट को ग्रिंड किया जाता है। और इन द ग्राइंडिंग मीडिया यानी मोटर पिस्टल में या फिर कोई मेथड से ग्रिंड किया जाता है। और इसके बाद उसको क्लीन किया जाता है और फिल्टर किया जाता है।
और फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सिंगल सेल आइसोलेट हुआ है इस सिंगल सेल को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सस्पेंशन कल्चर। तो ये हो गया मैकेनिकल मेथड के तरीके से प्लांट ऑर्गन से हम प्लांट सेल को आइसोलेट करते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड है एंजाइमेटिक मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, प्लांट के पार्ट को पील आउट किया जाता है, उसको स्मॉल पीस में कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टरलाइज फोर्सेप और नाइफ, और इसके बाद ये जो प्लांट के पीस हैं उसको हम एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। एंजाइमेटिक सॉल्यूशन मतलब जिसको हम मैसिरो एंजाइम बोलते हैं, और ये मैसिरो एंजाइम प्लांट के ऑर्गन से सिंगल सेल को आइसोलेट करता है, और इसके बाद प्लांट के पार्ट को एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसको वेट करने के लिए रख दिया जाता है, और इसके बाद एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में सिंगल सेल आइसोलेट होने के बाद इस एंजाइमेटिक सॉल्यूशन को फिर रिप्लेस किया जाता है स्पेसिफिक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में। मींस इस सेल को जो आइसोलेटेड सेल है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है इनटू द स्पेसिफिक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द सस्पेंशन कल्चर। इस तरीके से हम प्लांट के पार्ट को यूज़ करके हम मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड से प्लांट के इंडिविजुअल सेल को हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैलस कल्चर के बारे में। कैलस कल्चर करके किस तरह से सेल को आइसोलेट किया जाता है, तो ये तो क्या 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 करते हैं कैलस कल्चर में, प्लांट के कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को लेते हैं या फिर स्पेसिफिक टिश्यू को लिया जाता है, और इसके इस प्लांट के स्मॉल पीस को कल्चर कराते हैं और उसको कैलस में डेवलप कराया जाता है। नाउ सी इन द डायग्राम, एग्जाम्पल लीफ, लीफ सरफेस स्टरलाइज करने के बाद या फिर कोई और पार्ट लेते हैं ले सकते हैं, इसके सरफेस को स्टरलाइज करने के बाद उसको कट करते हैं इनटू द स्मॉल पीस बाय यूजिंग स्टरलाइज फोर्सेप और नाइफ, और इसके ये स्मॉल पीस को यूज़ करते हैं कैलस को डेवलप करने के लिए। तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, कैलस। कैलस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लांट, और इसके बाद एक्सप्लांट को सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में एसेप्टिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको हम इनोकुलेशन कहते हैं, और इस एक्सप्लांट को सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको इनक्यूबेट किया जाता है, यानी प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, एरिगेशन में उसको ग्रो कराया जाता है, और उसके बाद एक्सप्लांट जिसको हम सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किए हैं, इस एक्सप्लांट को एक्सप्लांट के जो सेल हैं जो न्यूट्रिएंट मीडिया के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और इसके मल्टीप्लाई और सेल्स जो है डेवलप मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं और कन्वर्ट होते हैं इनटू द मास ऑफ सेल, इसी को हम कैलस बोलते हैं। नाउ कैलस
can be defined. It is an undifferentiated mass of cell, or mass of cell ko small piece cut into the small piece karte hain with the help of sterilized forceps or knife, or isko aseptically transfer karte hain into the liquid nutrient media. Yani is callus ko semi solid nutrient media se fir isko yani callus ke piece ko liquid media mein transfer karte hain. Yani isme koi जेलिंग एजेंट जैसे अगार वगैरह प्रेजेंट नहीं होता. इस कैलस के पीस को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या किया जाता है, इस फ्लास्क को शेकर में प्लेस कर दिया जाता है. कैलस क्योंकि लूजली पैक्ड मास ऑफ सेल होता है, तो शेकर में शेकिंग की वजह से जो एजिटेशन होता है, इस एजिटेशन की वजह से कैलस जो होता है वो ब्रेक हो जाते हैं into the individual cell or cell aggregate. तो इस तरह से callus से single cell को isolate करते हैं for the suspension culture. इसके बाद क्या किया जाता है, इस flask में जो nutrient media है उसको filter किया जाता है, और filtration से जो भी large aggregate सेल रिमूव होते हैं, और फिर फिल्ट्रेशन को कलेक्ट करते हैं, और इस फिल्ट्रेशन को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेल सेटल होता है उस सेल को वापस रीसस्पेंड कर दिया जाता है इनटू द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया. इसी को हम सब कल्चर कहते हैं. नाउ सी the first step, selection and collection of exoplanet, then surface sterilization of exoplanet material by using the running tap water and treating in the surface sterilizing agent mercury chloride 70% ethanol under the aseptic condition inside the laminar airflow chamber. And next point is selection and preparation of culture media, and then preparation of explant material. After sterilization, explant material are cut into the small piece. Usko small piece mein convert karte hain. Then inoculation. The explant are inoculated on a sterilized medium. The inoculation takes place in the inoculation room on the laminar airflow station, which maintain the continuous air current which keep this bench without the risk of contamination. The expert technician in the laboratory do this inoculation. Then next step, incubation. Incubated cultures are then shifted to grow room where typically temperature 15 to 20 with the help of air conditioner and glass 1000 clean and air is maintained. The artificial lighting arrangement is also made for the growth of the plant. Next, subculture of callus. Maintenance of the fragmented callus in fresh medium is called subculture. After the incubation, callus are grown and then callus are cut into the small piece and transfer into the fresh medium, nutrient medium, with continuous shaking. Due to cause of the shaking, breakdown of the aggregate into the individual cell or small clumps of cell to form single cell, and callus get submerged into the liquid medium can create anaerobic condition and cell may be die. So agitation is provided with rotatory shaker, maintain the uniform distribution of the cell and cell clumps in the medium, and provide the gas exchange. This single cell is isolated for the suspension culture. Subculturing
क्या होता है, यानी सस्पेंशन कल्चर में जो प्लांट के सेल प्रेजेंट होते हैं लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में, प्लांट के सेल की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इस सेल को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में। इस प्रोसेस को हम सब कल्चरिंग कहते हैं और इसको इनक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं और इसको हम इनक्यूबेट करते हैं 25°C इन द डार्क एंड लो इंटेंसिटी लाइट में इनक्यूबेट किया जाता है और उसके बाद फर्दर सब कल्चरिंग करते हैं। 7 to 21 days इज रिक्वायर्ड टू डू दिस सब कल्चरिंग फॉर इनक्यूबेशन। और ये सस्पेंशन कल्चर जो होता है इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कैलस कल्चर। द कैलस कल्चर की जो सब कल्चरिंग होती है वो नियर अबाउट 4 to 8 weeks के इंटरवल में करते हैं, बट सस्पेंशन कल्चर की सब कल्चरिंग 7 to 21 days के इंटरवल में किया जाता है। सस्पेंशन कल्चर को हम BOD इनक्यूबेटर में रखते हैं जिसमें शेकर अटैच होता है जिसकी वजह से सेल सेपरेट रहते हैं और सेल जो है सस्पेंशन कल्चर लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया सस्पेंशन कल्चर में जो लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। सस्पेंशन कल्चर करने के बाद सिंगल सेल कल्चर करता है तो क्या किया जाता है, इसकी प्लेटिंग की जाती है, यानी जो सस्पेंशन सेल होता है जिस सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लांट सेल हैं इसके स्मॉल वॉल्यूम को रिमूव किया जाता है और स्मॉल वॉल्यूम को लेने के बाद इक्वल वॉल्यूम ऑफ अगार मीडियम के साथ मिक्स किया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको स्प्रेड कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया में। न्यूट्रिएंट मीडिया सॉलिडिफाई होने के बाद इसके जो इंडिविजुअल सेल हैं थिन लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर इस प्लेट को इनक्यूबेट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम प्लेटिंग ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। इसके बाद यानी इनक्यूबेशन के बाद प्लांट जो सिंगल सेल होते हैं ये सिंगल सेल न्यूट्रिएंट मीडिया को यूटिलाइज करते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं और इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम सेल क्लोनीज कहते हैं। इस नंबर ऑफ कॉपीज और सेल फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इस सेल से मोर प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट किया जाता है। किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक जैसे रेडियो इम्यूनो ऐसे या फिर HPLC टेक्निक से सिलेक्ट करते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट करने के बाद क्लोन ऑफ सेल को बायोरिएक्टर में फर्दर कल्चर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या तो फिर इससे प्लांट रीजनरेट के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ सी टेक अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग ऑटोक्लेव्ड 40 to 60 ml लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया, ट्रांसफ़र 3 to 4 pieces of the pre-established callus culture from the callus tube using the spoon, heated spatula to conical flask and the flame neck of the conical flask and close the mouth of the flask with piece of aluminium foil or cotton plug
cover the closure with the piece of brown sheet paper and place the flask with clumps of rotary shaker moving at 80 to 120 rpm, and after 7 days pour the contents of each flask through the sterilized sieve pour diameter 60 to 100 micron and collect the filtrate in a big sterilized container to filtrate contain only free cell and cell aggregate, and allow the filtrate to settle for 10 to 15 minutes and centrifuge this filtrate, and finally pour off the supernant and resuspended the residue cell in a required volume of the fresh liquid medium and dispense the cell suspension equally in the several sterilized flasks, and place the flask on the shaker and allow the free cell and cell aggregate to grow, and the next subculture repeat the previous step but take only 1/5 of the residual cell as inoculum and dispense equally in the flask, and again place them on a shaker. After 3 to 4 subculturing, the transfer 10 ml of the suspension from each flask into the new flask containing 30 ml fresh liquid medium for the subculturing. After that, mix with the semi-solid nutrient agar media and spread into the plate, and then incubate the cell or distribute into the individual cell. This process is called plating of cell suspension culture. Then incubate it. After incubation, single cell utilize. After incubation, the cells are utilized nutrient media and the cells are divide or multiply. Then the formation of group of cell that is called cell colonies, and select these colonies by using the different technique like HPLC, RIA, and transfer these colonies into the bioreactor for the further culture, and these cell culture are used to produce the secondary metabolites and use this productive clone of cell to form regeneration of plant. Bioreactor. इसके सब कल्चर के लिए इसके बाद बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है, ये एक लार्ज वेसल होता है जिसमें हम लार्ज स्केल में सस्पेंशन कल्चर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी इंडस्ट्रियल स्केल में इस बायोरिएक्टर को यूज़ किया जाता है। इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड प्रॉपर इरिगेशन को मेंटेन करते हैं। इसमें ग्रुप सेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद सेल कल्चर किया जाता है, और सेल कल्चर करने के बाद लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, लिक्विड मीडियम को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मींस कलेक्ट कर लिया जाता है। इस सेल में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट को आइसोलेट किया जाता है। तो इस तरह से लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल में बायोरिएक्टर को यूज़ करके हम सेल कल्चर करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं, और या तो हम इस प्रोडक्टिव क्लोन ऑफ सेल का यूज़ करके हम एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन करवा के प्लांट का रीजेनरेशन करते हैं। ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ सस्पेंशन कल्चर। जैसा कि हमने आपको बताया था, सस्पेंशन कल्चर में हम इंडिविजुअल प्लांट के इंडिविजुअल सेल को ग्रो करवाते हैं इन द प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया, लाइट, प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, इरिगेशन में कल्चर कराया जाता है, यानी ग्रो कराया जाता है। और इन प्लांट सेल के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, उनको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, मींस इन
प्लांट के सेल को फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया जाता है टू मेंटेन इट्स ग्रोथ टू। तो इसको प्रोसेस को सब कल्चरिंग कहते हैं। तो किस तरह से और कब किया जाता है टू मेंटेन द ग्रोथ फॉर द सस्पेंशन कल्चर, तो इसके लिए क्या किया जाता है, सस्पेंशन कल्चर की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है और इस तरह से कर्व ग्रोथ बनाया जाता है और कर्व ग्रोथ कर्व को फॉलो करते हैं टू मेंटेनिंग द ग्रोथ ऑफ सस्पेंशन कल्चर। तो हम सस्पेंशन कल्चर को ग्रो को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन कल्चर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम मीन्स डे ऑफ द कल्चर। यानी क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जैसे 1 to 2 डे के इंटरवल में किया जाता है, इस सस्पेंशन कल्चर से स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को आइसोलेट किया जाता है और इस लिक्विड में जो सेल प्रेजेंट है इस सेल को काउंट किया जाता है और उसको काउंट करने के बाद ग्रोथ कर्व बनाया जाता है और उसको फॉलो करके सस्पेंशन कल्चर की ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है। तो किस तरह से ग्रोथ कर्व बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट लैग फेज फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये सेल जो हैं न्यू न्यूट्रिएंट मीडिया में एडजस्ट होते हैं और सेल डिवीजन के पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और इसके बाद नेसेसरी अकर होती है। इस फेज में लैग फेज में सेल डिवीजन नहीं होता और सेकंड है एक्सपोनेंशियल फेज, इसके अंदर सेल का रैपिड डिवीजन होता है और मल्टीप्लाई होता है और नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। थर्ड लीनियर फेज, इस फेज में टाइम के साथ सेल का लीनियर इंक्रीज होता है। एंड फोर्थ इज प्रोग्रेसिव डिक्लेरेशन फेज, इसमें क्या होता है डिक्लेरेशन मीन इसमें रिड्यूस होता है। और फिफ्थ है स्टेशनरी फेज द कांस्टेंट एंड डिक्लाइन फेज दैट व्हाई द सबकल्चरिंग इज नेसेसरी। तो ग्रोथ कर्व को ऑब्जर्व करते हैं और स्टेशनरी फेज के पहले इसके अंदर फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करते हैं और सब कल्चरिंग करते हैं टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ सेल। अगर हम स्टेशनरी फेज सिक्स फेज डिक्लाइन और डेथ फेज, अगर हम स्टेशनरी फेज के पहले सब कल्चरिंग नहीं करेंगे तो सेल की ग्रो में डेथ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन कल्चर। इन दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैच कल्चर, यानी बैच कल्चर इट इज़ अ स्लोली रोटेटिंग कल्चर एज द सेल सस्पेंशन इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडिया इट कैन बी मोस्ट कॉमनली मेंटेन इन द कॉनिकल फ्लास्क इंक्यूबेटेड और ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म शेकर एट स्पीड ऑफ 80 to 120 RPM एंड कंटिन्यूसली बाय सब कल्चरिंग बाय 2 to 3 days इन द फ्रेश मीडियम। यानी इसमें क्या करते हैं इसमें फ्रेश ओरिजिनल कल्चर में फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया को ऐड करते हैं या फिर न्यूट्रिएंट मीडिया में से जो सेल होता है डिप्लीटेड सेल को
सेल है उसको निकाल कर फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को बैच कल्चर कहते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैच कल्चर, सोलोली रोटेटिंग कल्चर, शेक कल्चर, स्पिनिंग कल्चर एंड स्टर्ड कल्चर। नाउ सी द कंटिन्यूस कल्चर, द लार्ज कल्चर वेसल इज केप्ट डिस्पर्स कंटिन्यूसली बाय द बबलिंग एंड स्टेराइल एयर थ्रू द कल्चर मीडियम एंड ओल्ड लिक्विड मीडियम इज कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय द फ्रेश लिक्विड मीडियम ऑन द डिप्लीशन ऑफ सम न्यूट्रिएंट इन द मीडियम एंड स्टेबलाइज द फिजियोलॉजिकली स्टेट बाय द ग्रोइंग। इसमें भी इस प्रोसेस के अंदर भी जो है ये लार्ज कल्चर वेसल होता है, इसके अंदर जो है कंटिन्यूस बबलिंग और स्टराइल एयर थ्रू द कल्चर मीडियम, और इसमें ओल्ड न्यूट्रिएंट मीडियम को निकाल के उसको रिप्लेस करते हैं फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया से। नाउ द नेक्स्ट इज कंटिन्यूस कल्चर, टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस कल्चर, ओपन कंटिन्यूस कल्चर इन दैट इनफ्लो ऑफ द फ्रेश कल्चर मीडियम बैलेंस विद द आउटफ्लो ऑफ द स्पिन मीडियम विद द सेल एंड एडिशन ऑफ इनफ्लो मीडियम WRT टू न्यूट्रिएंट एंड सेल इज एडजस्टेड इन द सच दैट मेंटेन द न्यूट्रिएंट एंड सेल डेंसिटी एंड क्लोज्ड कंटिन्यूस कल्चर दिस सेल प्रेजेंट इन आउटफ्लो ऑफ द मीडियम सेपरेटेड एंड एडेड बैक इन द कल्चर सिस्टम only the medium is replaced with the fresh medium suitable for the production of certain secondary metabolites. These are the importance of suspension culture to obtain the single clone, to study the morphological and biological biochemical changes during the growth and development phases, to understand the pathway of the cellular metabolism. सिंगल सेल सिस्टम हैव अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं एंड फ्री सेल इन द कल्चर परमिट क्विक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विड्रॉल एंड डाइवर्स द केमिकल सब्सटेंस देयर बाय मेकिंग देम ईजी टारगेट एंड म्यूटेंट सिलेक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द टू प्रोड्यूस द हाई यील्डिंग culture as well as the plant with superior agronomic trait and the single cell derived from the medicinally important plant can be studied for the production of secondary metabolites like alkaloid, glycoside, flavonoids, etc. for the mutagenesis study and hope is that the permanent changes in the DNA pattern of the sum of the cell would be achieved by the such treatment. And to produce the high yielding culture as well as the plant superior and single cell drive from the medicinally important plant can be studied for the production of secondary metabolites. So this is my more video and you can search by my channel Sufipharm Dr. Sufyan Ahmed. Thank you for watching my video. Please subscribe, like and share and press the bell like button. Never miss an update. Thank you.